就可以get the sauce for tea。हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनली गाइस यहां पर मैंने अपने Redmi 6A डिवाइस में Android 10 को इंस्टॉल कर लिया है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये Android 10 है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था Android 10 के ऊपर वीडियो बनाओ, हम कैसे अपने डिवाइस में Android 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले मैंने Havox OX का Android 10 बताया था, वो कि जो कि आपको बताऊंगा GSI रोम था, उसका इंस्टॉलेशन मैंने नहीं बताया था क्योंकि उस रोम में काफ़ी ज़्यादा बग्स थे और उसको आप यूज़ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये कमांड्स का एक रोम है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो इसका वर्जन 2.1 ये ऑफिशियल रोम है। इसमें आपको थोड़े बहुत कम बग देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें बग नहीं देखने को मिलेंगे। बग है, बट जो बग है वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से बग है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 10 देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा फरवरी का सिक्योरिटी पैच दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हो फरवरी का सिक्योरिटी पैच, और बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए, गैजेट्स वगैरह दिए गए हैं। इसमें सारी बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। इंस्टॉल कैसे करना ये भी मैं वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर आपके पास Redmi 6A डिवाइस है और इसी तरह की MIUI 11 से रिलेटेड या कस्टम रोम से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो इधर सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, प्लीज यार उसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस बनाने का, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए यार बिना वक्त वाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो में ज़्यादातर हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग ये जो वॉलपेपर्स मैं जितने भी लगाता हूँ अपनी वीडियोस में, वो वॉलपेपर्स मांगते हैं। तो भाई मैं बता दूँ, इनका कोई भी लिंक नहीं होता भाई, मैं खुद डाउनलोड करता हूँ, पेड वॉलपेपर्स होते हैं ये। अगर आपको चाहिए तो भाई टेलीग्राम मिलेगा आपको लिंक, डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, मैं दे दिया करूँगा। बस आप कमेंट सेक्शन में बोल दिया ना कि हाँ भाई वॉलपेपर दे दो, मैं आपको वहाँ पर दे देता हूँ, आप जाके सीधे डाउनलोड कर लेना। कोई भी भाई लिंक वगैरह नहीं है, सीधे डाउनलोड करो और इंस्टॉल यानी कि अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं इस रोम के बारे में। तो भाई देखो इस रोम में सब कुछ सही तरह से वर्क कर रहा है, जी एप्स भी है, गूगल वगैरह के एप्स ही हैं, ये भी सही तरह से वर्क कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। परफॉर्मेंस भी भाई मेरे को थोड़ी ठीक ठाक लगी, इतनी भी ज्यादा ठीक ठाक नहीं है कि आप इसको डेली में यूज़ करो। बस अगर आपको एंड्रॉइड 10 को यूज़ करके देखना कि एंड्रॉइड 10 में होता क्या है, वैसे तो कुछ नहीं होता यार। अगर आप एंड्रॉइड 9 की कोई रोम यूज़ करोगे कस्टम वाला, सेम उसी के बड़ा उसी के तरह छोटे मोटे फीचर है, जैसे कि ये गेस्टर जो है, ये गेस्टर आपका चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह का गेस्टर में आपको देखने को मिल जाता है, ये गेस्टर का चेंज है, और छोटे मोटे और चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप यूज़ करोगे रोम को। तो अब हम बात करें कि इस रोम में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फीचर्स से पहले मैं बता दूँ आपको बग, अगर आपको इंस्टॉल करोगे तो इसमें मैं को बग बता देता हूं। सबसे पहला बग भाई इसमें वोल्टी वर्क नहीं करेगा, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, देखो जितने भी बग्स हैं ये अभी बग्स आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी कोई ऐसी रोम नहीं आया जिसमें कि आपको बग्स ना मिले। Redmi 6A डिवाइस के ना बहुत ही कम रोम्स बिल्ड होती है, तो धीरे धीरे भाई ये अपडेट आते रहेंगे, रोम्स बनती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूँगा। तो अभी इस वाली रोम में भाई ना ही आपको वोल्टी मिलेगा, ना ही भाई इसमें आपको कैमरा ऐप देखने को मिलेगा। कोई भी कैमरा एप्लीकेशन नहीं मैंने अलग से डाला हुआ, लेकिन ये भी नहीं चलता है। तो इसमें कैमरे का भी बग है, कैमरा नहीं चलता। दूसरी बात इसमें भाई वाईफाई चलता है, बट हॉटस्पॉट शायद मेरे को नहीं लगता कि चलता, क्योंकि मैंने ट्राई किया था MIUI यहाँ पर डाल था, ये सही तरह से वर्क नहीं कर रहा था। तो भाई यहाँ पर वाईफाई तो चलता, लेकिन भाई जो वो आपका क्या कहते हैं हॉटस्पॉट है वो नहीं चलता। ये तीन बग मिले, बाकी कोई बग नहीं है। अगर आप तीन बग को झेल सकते हो, यानी कि एंड्रॉइड 10 का अगर एक्सपीरियंस लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको बग बता दिए, बाकी हम बात करें इस रोम के परफॉर्मेंस के बारे में और फीचर्स के बारे में। तो भाई देखो बहुत से लोग जो बैटरी के बारे में पूछते हैं, तो इस रोम की बैटरी जो मस्त चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मस्त चल रही, मैंने काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी मस्त चल रही है बैटरी, ठीक है। दोबारा मत पूछना बैटरी के बारे में, बैटरी मस्त चल रही, कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग पूछ लेते हैं दोबारा बैटरी के बारे में, तो भाई वीडियो देख लिया करो, सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी इसमें आपको डार्क मोड वगैरह देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर गोट इट पर क्लिक कर दोगे, अब जब आपका A to Z जो डार्क हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो डार्क मोड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो चीज़ है ये भाई यहाँ पर एंड्रॉइड 10 का है, और बहुत सारे अलग अलग फीचर देखने को मिलेंगे। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ एक अलग ही इनके जो यहाँ पर सेटिंग है, आप इसमें चले गए, यहाँ पर स्टेटस बार, थीम, क्विक, यहाँ पर क्विक सेटिंग बटन, गेस्चर, या नेविगेशन, यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप जाओगे, नोटिफिकेशन यहाँ पर एम्बिएंट लाइट लिखी हुई है, आप देख सकते हो इस तरह की लाइट है। तो इस लाइट का क्या मतलब, जब भी आपके डिवाइस में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो साइड से ये जो इधर की दोनों की साइड होती है एज लाइटिंग जिसे बोलते हैं भाई, वो आपकी चालू हो जाएगी। आप इसको कलर वगैरह को चेंज कर सकते हो यहाँ पर, जिस तरह की आपको एज लाइटिंग चाहिए
उस तरह की आप यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और बहुत सारे वही सारे फीचर है यार, बाकी बैटरी है भाई, एनिमेशन है, लॉक स्क्रीन, नेविगेशन बार, गेस्चर, बटन्स। और यहाँ पर बता दो कुछ को सेटिंग ऐसी है जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पर आप जैसे कुछ भी नहीं आ रहा, ये बग है भाई, ठीक है। तो इस तरह के आपको छोटे मोटे बग मिलेंगे, थोड़ी बहुत सेटिंग आप उनको यूज़ वगैरह भी कर सकते हो। बाकी यार डिस्प्ले में आपको वही सारे सेम चीज़ मिलेंगे, ब्राइटनेस हो गया, ये सारी चीज़ होगी, यहाँ पर फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्क्रीन सर्वर, यहाँ पर लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन में जाने के बाद यहाँ पर आपको एम्बेडेड डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता था, बट इसमें नहीं है क्योंकि यार कस्टम रोम है इस वजह से, और एक ये GSI बिल्ड मान लो इसे, तो इस वजह से भाई इसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर मैं बता दूँ भाई फेस अनलॉक की उम्मीद छोड़ देना, क्योंकि किसी भी डिवाइस में फेस अनलॉक नहीं है एंड्रॉयड 10 में, ओनली फॉर जो स्टॉक रोम है, ठीक है। अगर आप किसी कस्टम रोम को यूज़ करते हैं यानी कस्टम UI को यूज़ करते हैं तो उसमें फेस अनलॉक देखने को मिलता है, जैसे कि MIUI 11 में और MIUI 10 आया हुआ तो उसमें फेस अनलॉक मिलता है, वो भी MIUI 11 का। तो इस तरह की चीज़ें होती है। ऑफिशियल जो एंड्रॉयड 10 का फेस अनलॉक है वो नहीं है, वो हटा दिया गया पता नहीं भाई यार क्यों। बाकी ये सारी चीज़ें फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई अपडेट आएगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल रोम है, ऑफिशियल रोम में अपडेट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको गेस्चर्स वगैरह में आप जाओगे, गेस्चर्स पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर 2 वाले गेस्चर्स भी लगा सकते हो, 3 वाले भी लगा सकते हो। आप देख सकते हो 2 वाले यहाँ पर आपके देख सकते हो, जैसे मैंने 2 वाला कर दिया थोड़ा सा प्रॉब्लम लेगा, यानी कि बस स्विच होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर आप 3 वाले भी लगा सकते हो। तो मेरे को 3 वाले काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये जो गेस्चर्स है ट्रेंडिंग में है, तो ये गेस्चर आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया देखने में लगते हैं, जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये आप देख सकते हो, इसको हम हटा देते हैं भाई, हट जा कैमरा वैसे भी ओपन नहीं हो रहा है तो उसकी दिक्कत हो जाती है। तो देख सकते हो भाई यार वॉलपेपर का भी क्या हाल हो चुका है ये, तो एक मिनट में इसको ठीक कर लिया, मैंने इसको ठीक कर लिया। तो यार छोटे मोटे बग्स हैं ना, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत तो आपको देगा। और बाकी मैं आपको बता दूँ इसके और कोई फीचर्स की, तो यहाँ पर आप जैसे होम स्क्रीन पर टैप करोगे आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, 3D टच जैसे मिल जाएगा, होम सेटिंग में आप जा सकते हो, यहाँ पर आप थीम वगैरह, डेस्कटॉप, यहाँ पर एट दी ग्लेंस, बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। ऐप ड्रॉड में छेड़का नहीं कर सकते, आइकन जो साइज़ है उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो, देख सकते हो आइकन वगैरह, कलर वगैरह, ब्लर वगैरह, सब कुछ आप मेंटेन कर सकते हो। गेस्चर्स वगैरह भी दिए गए, आप जाके चेकआउट करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आप जैसे स्टेटस वगैरह में आपको यहाँ पर फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, ये भी बंद है भाई, तो देख सकते हो ये भी आपको एक बग देखने को मिल जाता है। तो इस रोम में भी भाई आपको बग देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यार ऑफिशियल जो बिल्ड है यार वो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है, बट पता नहीं यार इसको ऑफिशियल क्यों लिख दिया नाम पे। ऑफिशियल में यार इतने सारे बग देखने को नहीं मिलते हैं, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ भाई इसको इंस्टॉल कैसे करना, बाकी आप देख लेना यार आपको जो भी फीचर अच्छे लगे तो ठीक है, वरना भाई मेरे को तो ज़्यादा फीचर अच्छे देखने में नहीं लगे, काफ़ी ज़्यादा बग्स मिले, बट फिर भी लोग बोलते हैं हमें बताओ कैसे इंस्टॉल करना है। तो भाई देखो ये है वो रोम का लिंक, ठीक है, ये रहा कमांडोज OS, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना, फिर उसके बाद आपको पता ही आपको करना क्या है। देखो भाई मैंने एक वीडियो बनाया हुआ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। रोम को डाउनलोड करना है, रोम को डाउनलोड करने के बाद TAP रिकवरी में जाना है। TAP रिकवरी में आप जैसे ही जाओगे सबको आपको वाइप कर देना, विंडर को छोड़ के वाइप करना है। फिर उसके बाद आपको फ्लैश करना है रोम को फ्लैश करने के बाद आपको मैजिक्स को इंस्टॉल करना है। मैजिक्स को इंस्टॉल करने के बाद आपको GApps भी इसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो GApps का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि भाई ये वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन GApps ARM10.pico, तो ये वाले GApps आपको देने मिलेंगे। आपको सिंपली ये भी इंस्टॉल कर देना, उसके बाद रिब्यूट कर देना, आपका जो रोम है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। जो जो मैंने बोला, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो में यही सारी चीज़ें लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करो, कैसे इंस्टॉल करना है वो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है यार, दोबारा इंस्टॉल करके नहीं दिखा सकता, बस सेम मेथड है भाई, जो जो चीज़ बताया वो सारी बात ध्यान से सुन लेना, और बाकी वीडियो में सेम मेथड है, आप जाके चेकआउट करो। वीडियो अगर आपको वॉलपेपर चाहिए तो भाई इसका लिंक आपको, भाई लिंक नहीं सीधे डाउनलोड मिलेगा यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, ये छोटी सी वीडियो थी। अगर कोई और एंड्रॉइड 10 की रोम आती है उसका रिव्यू बहुत ही जल्द लाऊंगा, और कुछ और नई MIUI 11 से रिलेटेड भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है इस चैनल पे। तब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।